Hello guys, I am Neeraj Singh from channel Ensing Classes. Today we will discuss about the reproduction in plant for class 7, chapter 9. Students, सबसे पहले आपको सॉरी बोल देना चाहते हैं क्योंकि लंबा टाइम हो गया हमने आपके लिए कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो सॉरी है क्योंकि थोड़ा तनाव में है, टेंशन है, इसके चलते वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई। जितना भी जीवित चीज़ है ये त्रिकाल सत्य है कि जिसकी ज़िंदगी है वो ख़त्म होना है, तो सब जीवित चीज़ जो होते हैं उसका एक लाइफ होता है, उसके बाद वो डेट करता है। नो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो डेट नहीं करेगा। सभी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? डेट करेंगे। लेकिन All living organism are able to produce more of their own kind before they die. लेकिन सभी जीवित चीज, जितना भी ऑर्गेनिज्म हैं, मरने से पहले अपने समान जीव को पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैदा नहीं कि अपने समान जीव को, वो नॉन लिविंग है और वो नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एबिलिटी है उनके पास, वो प्रोड्यूस करते हैं, और इसी एबिलिटी को हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी सभी जीवित चीज अपने समान जीवों को पैदा करते हैं, मोर देयर ओन काइंड। देयर ओन काइंड जरूरी है, ऐसा नहीं है ऑर्गेनिज्म कि अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर कोई रोज का प्लांट है तो हिबिस्कस का फ्लावर उसमें लगेगा, नहीं है, ऐसा नहीं होगा। देयर ओन काइंड अपने समान जीवों को जन्म देता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज हाउएवर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का है। देखिए, आप जानते होंगे कि प्लांट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, तो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द डिटेल ऑफ प्रोसेस, दिस प्रोसेस फॉर प्लांट। ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या एनिमल है, दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इस चैप्टर में, चूंकि चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो हम इसमें फैमिलियर होंगे, इसमें परिचित होंगे, जानेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले कैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। बिफोर वी स्टडी दिस, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा डिटेल यहाँ हम आपको देना चाहते हैं कि प्लांट को कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। कोई भी चीज़ को जो आप डिवाइड कीजिएगा, जब उसको आप क्लासिफाई कीजिएगा, तो उसको बेस मान के क्लासिफाई किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है, तो वो दो तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंस ऑफ सेल। अगर एक सेल का बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर। फिर आप ये भी क्लासिफाई करते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यानी न्यूक्लियस के आधार पर। तो कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक कोई ना कोई बेस मान के करते हैं। तो यहाँ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये लाइन बताना चाहते हैं कि लेटेस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट द पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब कि प्लांट दो तरीके का होता है, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर लगता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि जितना भी प्लांट है सब में फ्लावर लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कहना ये, हम ये चाहते हैं कि जिस प्लांट में फ्लावर आता है, लगता है, उसको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और जिसमें नहीं लगता है उसको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। रूट स्टेम एंड लीव्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे ये टर्म आएगा वेजिटेटिव पार्ट। यानी रूट स्टेम और लीव्स को क्या कहते हैं? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और इट इज़ द फ्लावर डेट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फ्लावर भी क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी
इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे हम कि फ्लावर किस तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम और लीव्स भी कैसे रिप्रोडक्शन होता है इनके माध्यम से। ठीक है, फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट विच कंटेन सीड। अब फ्लावर के बारे में अगर पढ़ना है तो इस फिगर को देख लीजिए, ये फिगर में सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या है, प्लांट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट को दो भाग में बांटते हैं, एक जो ग्राउंड के नीचे है और एक जो ग्राउंड के ऊपर है। जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम। जो प्लांट का भाग ग्राउंड के नीचे है यानी सॉइल में है उसको कहते हैं रूट सिस्टम, और जो पार्ट प्लांट का ऊपर में है, ऊपर में कहने का मतलब ग्राउंड से ऊपर है, उस पार्ट को कहते हैं शूट सिस्टम। उस पार्ट को कहते हैं शूट सिस्टम। देखिए तो ये क्या है, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है, बड होता है। ठीक है, बड आता है, जैसे ही प्लांट आप देखिएगा जैसे ही मैच्योर होगा क्या आएगा, बड आएगा। ठीक है, बड किस में बदल जाएगा, फ्लावर में बदलेगा, और फ्लावर किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा, और फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। यही लाइन आपको लिखा हुआ है, फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। फ्लावर जो है, थोड़ा हम आपको डिटेल बता दिए, ये फ्लावर से कह रहे हैं कि फ्रूट में बदलता है, लेकिन फ्लावर से पहले किस स्टेज में रहता है, बड स्टेज में रहता है, और बड किस में बदलता है, फ्लावर में बदलता है, और फ्लावर किस में बदलता है, फ्रूट में बदलता है, और फ्रूट के अंदर ये सीड होता है। व्हेन सीड जर्मिनेट दे फॉर न्यू प्लांट, जैसे ही इस सीड से ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, पकेगा, जैसे ही इस सीड बाहर हो जाएगा और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, तो क्या करेगा, नए प्लांट के रूप में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, व्हेन सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होता है, जब सीड उगता है, जमता है, दे फॉर न्यू प्लांट, धीरे धीरे वो न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। देखिए अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको हमने बताया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो और अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, तो स्टूडेंट्स प्लांट में रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही दोनों जो मोड है, यही जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, ये सिर्फ प्लांट में नहीं, यहीं आप क्लियर हो जाइए, ये जो दोनों तरीका है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये दोनों मोड है, ये एनिमल में भी होता है, एनिमल में भी होता है ये रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जो प्लांट में भी होता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, आप सीधी सी बात है मैं समझ लीजिए, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जिस रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या लिख रहा है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसी। कहने का मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, किस लिए, रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए और अपने समान जीव को पैदा करने के लिए। ये सेम स्पीसीज लिखना जरूरी है, हम पहले भी आपको बताए थे कि अगर मैंगो का ट्री है तो उसमें ग्वाभा का फ्रूट नहीं लगेगा, जब भी लगेगा सेम स्पीसीज, मैंने एक ही स्पीसीज का दो पेरेंट्स भाग ना लेकर के एक ही पेरेंट्स जब भाग लेता है तब हम उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, जब एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तब हम उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरियल सेल इनटू टू डाउटर सेल इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप जानते होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड
आई से नहीं देख सकते हैं उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस होने के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी नहीं है, एक ही पेरेंट्स उसके लिए एनफ है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट हाउएवर लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होगा। जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया कि बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो आप ऐसा ना समझ बैठे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा नहीं है। मोस्ट प्लांट्स हैव टू एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। बहुत से प्लांट हैं जिनमें ये एबिलिटी होता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। हाउ डज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लेट अस फाइंड आउट। यानी जैसे आपको हमने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये मोड है किसका? रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से होते हैं, उसके भी कई पार्ट हैं, जैसे बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे, बडिंग से शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।